अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइड्राइड्स, इनकी टाइप्स और बेटा जी इनकी प्रॉपर्टीज़ और पीरियोडिक टेबल में इनकी प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड क्या है। तो हाइड्राइड्स की सबसे पहले बेटा जी डेफिनेशन के हाइड्राइड्स क्या होते हैं कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स। मतलब क्या है कि जब हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर कंपाउंड बनाती है तो आप बेटे उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड्स बोलते हैं। ओके, हो गया। हाइड्रोजन जब दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर कंपाउंड बनाती है तो उन्हें आप क्या बोलते हैं, हाइड्राइड्स। मिसाल के तौर पे सोडियम हाइड्राइड है, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ये इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा। अब इसकी टाइप्स जो हैं वो बेटा जी हाइड्राइड्स की तीन टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं। नंबर वन सबसे पहले है जी आयोनिक हाइड्राइड्स। तो आयोनिक हाइड्राइड्स बेटा जी क्या होते हैं कि जब भी हाइड्रोजन मेटल्स के साथ कंबाइन होगी, यानी कि ग्रुप वन ए ग्रुप टू ए के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, तो जो हाइड्राइड्स बनेंगे वो किस नेचर के होंगे, आयोनिक नेचर के होंगे, ठीक है ना। तो आप इसके बारे में लिखेंगे कि आयोनिक हाइड्राइड्स जो हैं ये कब बनते हैं, व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन्स विद मेटल्स। वो मेटल्स कौन सी हैं बेटा जी, ग्रुप वन ए की और इसी तरह ग्रुप टू ए की और इसी तरह जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके साथ, ठीक हो गया। हाइड्राइड्स मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड है, इसी तरह बेटे मैग्नीशियम हाइड्राइड है, इसी तरह कैल्शियम हाइड्राइड है। इन हाइड्राइड्स में जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है, वो कितना बेटे, तो यहाँ पे सोडियम +1 और हाइड्रोजन -1, मैग्नीशियम +2 हाइड्रोजन -1, कैल्शियम +2 हाइड्रोजन -1, ठीक हो गया बेटे। तो हाइड्राइड्स, ठीक है ना, कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन क्या होती है बेटा जी, मेटल के साथ मिली हुई है और इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, हो गया। तो आपने याद रखना है ग्रुप वन ए और ग्रुप टू ए के एलिमेंट्स जो हैं इनके हाइड्राइड्स मोस्टली किस नेचर के हैं बेटे, आयोनिक नेचर के हैं। अब याद रखिएगा कि इनकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि आयोनिक हाइड्राइड्स जो हैं दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये बेटे क्या होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। अब चूंकि ये सॉलिड्स हैं और दूसरा ये क्रिस्टल लाइंस भी हैं तो इसका मतलब ये है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेटा जी क्या होंगे, हाई होंगे। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई। जब किसी कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो तो उसके लिए बेटा जी आप टर्म कौन सी यूज करते हैं, दे आर लेस वोलाटाइल। ये क्या होते हैं बेटा जी, लेस वोलाटाइल होते हैं, ठीक हो गया, दे आर लेस वोलाटाइल। इसके अलावा मोल्टन स्टेट में ये बेटा जी कंडक्टर होते हैं और ये वाटर सोलबल भी होते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस पर मुश्तमिल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि वाटर में ये क्या होते हैं, ये सोलबल होते हैं और मोल्टन स्टेट में, मोल्टन का मतलब है पिघली हुई हालत में, ये बेटा जी क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। मतलब कि इनमें से करंट जो है वो पास हो सकता है व्हेन दे आर इन मोल्टन स्टेट। ओके, हो गया बेटे। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक हाइड्राइड्स, तो आप बेटे बताएंगे कि आयोनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर लेस वोलाटाइल, दे आर वाटर सोलबल एंड इन मोल्टन आर एक्वो स्टेट, दे कैन पास इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स के दे आर कंडक्टर इन एक्वस आर मोल्टन स्टेट। बात की समय लगी, साथ बेटे आप इसकी एग्जाम्पल देंगे सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम के हाइड्राइड्स वगैरह, बात की समय लगी बेटे। उसके बाद जो सेकंड बेटे टाइप है वो है पॉलीमेरिक या इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। कौन सी है बेटा जी, इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। तो इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स बेटा जी क्या हैं, अब ये देखें, ये ऐसे हाइड्राइड्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज आयोनिक और जो कोवलेंट हाइड्राइड्स होते हैं उनके इंटरमीडिएट होते हैं। तो सबसे पहले आप इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे कि इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स जो हैं दे हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट, दे हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज टू आयोनिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स। बात की समझ लगी बेटे, कोवलेंट हाइड्राइड्स यानी कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज बेटा जी क्या होती हैं, आयोनिक हाइड्राइड वाली होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा, कोवलेंट हाइड्राइड वाली होती हैं।
इसके अलावा आपने याद रखना है कि जो इंटरमीडिएट हाइड्राइड है ये पॉलीमेरिक नेचर के हैं। किस नेचर के हैं? इनका जो स्ट्रक्चर है वो बेटा जी क्या होता है, ये स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या होते हैं, पॉलीमेरिक होते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था किसमें बेटे, हैलाइड्स में, कि पॉलीमेरिक हैलाइड्स ऐसे हैलाइड्स होते हैं जिनमें जो हैलोजिन एटम है वो दो हैलाइड्स के दरमियान ब्रिज के तौर पर एक्ट करता है। तो पॉलीमेरिक नेचर के मतलब ही क्या होता है कि बेटा जी एक नेटवर्क बना होता है। बात की समझ लगी? इन हाइड्राइड्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होकर एक लॉन्ग चेन नेटवर्क बना लेते हैं, पॉलीमेरिक। तो इसकी एग्जाम्पल्स में बेटे आप बताएंगे कि बेरिलियम के हाइड्राइड हैं, जिंक हाइड्राइड है, ठीक है, बेरिलियम हाइड्राइड, इसी तरह बेटा जी जिंक हाइड्राइड एटसेट्रा, कैडमियम हाइड्राइड। अब आपने याद रखना जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं ये कौन सी मेटल्स होती हैं, ऐसी मेटल्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती, वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं। बात की समझ लगी ना बेटे? तो जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं जैसा कि बेरिलियम है, जैसा कि बेटा जी क्या है, जिंक है, कैडमियम है, इनके जो हाइड्राइड्स हैं वो किस नेचर के होते हैं बेटे, इंटरमीडिएट नेचर के होते हैं। बात की समझ लगी ना आपको? उसके बाद बेटा जी थर्ड जो कैटेगरी है वो क्या है, वो है जी कोवलेंट हाइड्राइड्स, कोवलेंट हाइड्राइड्स। तो कोवलेंट हाइड्राइड्स क्या है बेटा जी, जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होगी, मतलब क्या, ग्रुप 4A, 5A, 6A, 7A के एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होगी, तो बनने वाले जो हाइड्राइड होंगे वो कोवलेंट नेचर होंगे, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड हैं। ठीक है ना बेटे? तो आपने बताना है कि वेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद किसके साथ कंबाइन होती है बेटा जी, ग्रुप 4A, ग्रुप 5A, ग्रुप 6A, ग्रुप 7A नॉन मेटल्स। ठीक है ना बेटा? किसके साथ होती है? नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होती है। मिसाल के तौर पे बेटा जी क्या है, फॉर एग्जांपल CH4 है, इसी तरह बेटा जी NH3 है, इसी तरह बेटा जी H2O है, इसी तरह बेटा जी HF है, ये सारे के सारे क्या है, ये कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं। ये क्या बेटा जी, ये कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं। ठीक है ना बेटा? इनमें हाइड्रोजन और जो दूसरा नॉन मेटेलिक एलिमेंट है उसके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है। ओके, हो गया। अब इनकी प्रॉपर्टीज अगर हम मेंशन करें तो वो बेटा जी क्या होगी कि ये बेटा जी क्या होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या होते हैं, लो होते हैं। ये किसके मुकाबले में बेटा जी, आयोनिक हाइड्राइड के मुकाबले में। इसके अलावा बेटा जी जो कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं ये मोस्टली बेटा जी क्या है, ये या तो लिक्विड है या फिर ये बेटा जी किस स्टेट में होते हैं, गैशियस स्टेट में होते हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो अब आप यहाँ पे बताएंगे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से इनके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं कि दे आर हाई या मोर वोलाटाइल। ओके, हो गया। ये क्या होते हैं बेटा जी, मोर वोलाटाइल होते हैं, कोवलेंट हाइड्राइड्स। ओके, हो गया बेटा जी। इसके अलावा ये बेटा जी वाटर के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं मोस्टली। ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, उनमें ये क्या होते हैं बेटा जी, उनमें ये सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा बेटा जी ये किसी भी स्टेट में हो तो इनमें से करंट नहीं गुजरता, इसलिए ये क्या है बेटा जी, ये नॉन कंडक्टर हैं। ये क्या है, नॉन कंडक्टर हैं। तो ये बातें आपने बेटा जी प्रॉपर्टीज पॉइंट्स की फॉर्म में जो है वो ये मेंशन कर दीजिएगा। ओके, हो गया। तो इसी तरह बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि कंपेयर प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स। तो इस तरह बेटा जी आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। तो आप जितना आपकी बुक में मेंशन है आप वही उसको मेंशन कर दें। बात की समझ लगी? तो अभी तक जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन बेटे पूछे जा सकते हैं उनमें नंबर वन है कि व्हाट आर हाइड्राइड्स, नंबर टू के राइट प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक हाइड्राइड्स, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। ठीक, हो गया। अब हम इनका देखते हैं बेटा जी के ट्रेंड क्या है। यहां पर देखें ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, ग्रुप 3A, इसी तरह बेटे 4A, 5A, इसी तरह 6A और ये है बेटा जी 7A। ठीक है, 8A के एलिमेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पर देखें सब बच्चे, ग्रुप 1A में बेटा हम देखते हैं सोडियम हाइड्राइड, ग्रुप 2A में बेटा जी क्या है, मैग्नीशियम हाइड्राइड, ग्रुप 3A में बेटा जी क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, 4A में बेटा जी क्या है, सिलिकॉन हाइड्राइड, इसी तरह 5A में बेटा क्या है, फास्फोरस या फास्फीन इसको कह दें, इसी तरह बेटा जी आगे क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, और इसी तरह बेटा यहाँ पे क्या है, HCl। ठीक, हो गया बेटे। अब यहाँ पे गौर करें तो ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के जो हाइड्राइड्स हैं ये बेटा किस नेचर के हैं, ये आयोनिक नेचर के हैं। ये किस नेचर के हैं, आयोनिक नेचर के हैं। जबकि एल्यूमिनियम का जो हाइड्राइड है ये क्या है, ये बेटा जी इंटरमीडिएट है। ये क्या है,
ये इंटरमीडिएट है, जबकि ग्रुप 4A से लेकर 7A तक के जो हाइड्राइड्स हैं ये किस नेचर के हैं बेटा, ये कोवलेंट नेचर के हाइड्राइड्स हैं। तो अब यहाँ पे बेटा जी आप इसका ट्रेंड भी मेंशन कर सकते हैं। तो ट्रेंड में अगर आप देखें तो इन अलोंग पीरियड आपको क्या नज़र आ रहा है बेटा, अलोंग पीरियड नज़र आ रहा है कि जो आयोनिक नेचर वो बेटा जी क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो कोवलेंट नेचर है वो क्या हो रही है, कोवलेंट नेचर इनक्रीज हो रही है। बाकी समय लगी बेटे, जबकि यहाँ पर आपने देखना है कि अलोंग पीरियड, ठीक है, अलोंग पीरियड के बाद अलोंग ग्रुप, तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम बेटा जी क्या होता है, मेटालिक नेचर एलिमेंट की बढ़ती है। कौन सी नेचर बढ़ती है, मेटालिक नेचर बढ़ती है, तो जिसकी वजह से जो हाइड्राइड होगा उसकी नेचर कौन सी होगी, आयोनिक नेचर होगी। तो आप बताएंगे ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयोनिक नेचर बेटे क्या होती है, आयोनिक नेचर इंक्रीज होती है, जबकि कोवलेंट नेचर क्या होती है, कोवलेंट नेचर डिक्रीज होती है। बात की समझ लगी बेटे, तो ये हमने ट्रेंड भी देख लिया, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा बेटा जी एक और चीज आपने याद रखनी है, वो है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। तो आपने बेटे याद रखना है कि जो कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 4A, 5A, 6A, 7A के हाइड्राइड्स, इनकी स्टेबिलिटी पीरियड में लेफ्ट राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। अलोंग पीरियड मैं लिख रहा हूँ, अलोंग पीरियड आप क्या लिखेंगे, अलोंग पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इनकी स्टेबिलिटी बेटा जी क्या होती है, स्टेबिलिटी बेटा जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जबकि बेटा जी अलोंग ग्रुप के अलोंग क्या होगी, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। याद रहेगा बेटे, अच्छा जी। अब यहाँ पे अगर आप बेटा देखें तो जो सेकंड पीरियड है उसके हाइड्राइड्स भी आप देख लें यहाँ पे, तो सेकंड पीरियड बेटा देखें लिथियम हाइड्राइड है, इसके अलावा बेरिलियम हाइड्राइड है, इसके अलावा बेटा जी आगे क्या है, बोरोन का हाइड्राइड, इसी तरह कार्बन हाइड्राइड, इसी तरह बेटा नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, फिर वाटर है, और लास्ट पे क्या है बेटा जी, HF। सही हो गया बेटे। अब आपने याद रखना है बेटा कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। कार्बन के बाद क्या आता है बेटा जी, सिलिकॉन, फिर बेटा जी क्या आता है, जर्मेनियम, और जर्मेनियम के बाद क्या आता है बेटा, टिन। इसी तरह यहाँ भी बेटा जी फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। इसी तरह बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड, इसी तरह बेटा यहाँ पे सिलीनियम हाइड्राइड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, टेलीरियम हाइड्राइड, क्या आ जाएगा, टेलीरियम हाइड्राइड आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह बेटा यहाँ पे HCl, HBr और HI, ये वाले हाइड्राइड्स जो हैं ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बेटा, ये एग्जिस्ट करते हैं एज मॉलिक्यूल, ये एग्जिस्ट करते हैं कैसे बेटा, एज मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब हमें पता है कि इन ग्रुप्स में बेटा टॉप टू बॉटम क्या होता है, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि बेटा एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या होता है बेटा जी, मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी वो भी इंक्रीज होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी इंक्रीज होंगी, इस वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बेटा जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर में सबसे पहले आप देखें ग्रुप 4A जो है, ग्रुप 4A के हाइड्राइड, इनमें सबसे स्मॉल साइज का मॉलिक्यूल कौन सा बेटा, CH4, उससे लार्ज सिलिकॉन हाइड्राइड, उससे जर्मेनियम, फिर टिन। तो इसका मतलब है कि इसमें टॉप टू बॉटम मॉलिक्यूल का साइज बढ़ रहा है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ रही है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बेटा, टिन हाइड्राइड का, उससे कम बेटा किसका होगा, जर्मेनियम हाइड्राइड का, उससे कम किसका होगा, सिलिकॉन हाइड्राइड का, और सबसे कम किसका होगा बेटा, मीथेन का। ऐसे ही है ना बेटे। इसी तरह बेटा ग्रुप 5A की अगर आप बात करें तो ग्रुप 5A में बताएं सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा जी, एंटीमनी हाइड्राइड का, जो सबसे नीचे है। ऐसे ही है ना बेटे, एंटीमनी हाइड्राइड के बाद किसका होना चाहिए, आर्सेनिक का। लेकिन यहाँ पे ज्यादा किसका होता है बेटा, अमोनिया का ज्यादा होता है, लेकिन बाकी ऑर्डर सेम वही रहेगा। वो क्या है कि आर्सेनिक का हाइड्राइड है, फिर सबसे कम किसका बेटा जी, फास्फीन का। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो फास्फीन जो यहाँ पे अमोनिया है ये क्या कर रहा है बेटा, ये अबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसी तरह बेटा जी ग्रुप 5A के बाद क्या आता है, 6A। ग्रुप 6A में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए, टेलीरियम हाइड्राइड का, लेकिन कहता है सबसे ज्यादा किसका है, वाटर का। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बेटा जी क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, ये भी अब नॉर्मेलिटी है, इसकी रीजन हम डिस्कस करते हैं। उससे कम बेटा जी किसका होगा, टेलीरियम का, H2Tl। उससे कम बेटा जी
सिलीनियम और सबसे कम किसका होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का। इसी तरह बेटा जी ग्रुप 7A के जो हाइड्राइड्स हैं, ग्रुप 7A के हाइड्राइड्स, इनमें सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, HI का, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन कहता है सबसे ज्यादा किसका बेटा जी, HF का है। उससे कम किसका होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड का। किसका होगा बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड के बाद किसका होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और सबसे कम किसका होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये ना बेटा जी आपको एबनॉर्मैलिटीज नजर आ रही है कि जो वाटर है, HF है और अमोनिया है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अपने रिमेनिंग हाइड्राइड से थोड़ा सा क्या ज्यादा है। तो उसकी वजह क्या है कि ये वाले हाइड्राइड्स क्या शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटे आप बताएंगे कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनका बॉइलिंग पॉइंट बेटा जी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बेटा जी, वाटर का। उससे कम किसका होगा, HF का। और सबसे कम किसका होगा, अमोनिया का। बात की समझ लगी बेटे, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा इसलिए क्योंकि वाटर का एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि HF का मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट अपने रिमेनिंग ग्रुप के हाइड्राइड से ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये वाले एलिमेंट्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जबकि बाकी जो हाइड्राइड हैं वो क्या करते हैं, वो डाइपोल फोर्सेस शो करते हैं, या फिर बेटा जी डिवाइड फोर्सेस, या फिर बेटा जी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस शो करते हैं। बात की समझ लगी। तो ये हमने थोड़ा सा इसको एंटिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर लिया। तो आज के लेक्चर में जो बेटे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनमें पहला व्हाट आर हाइड्राइड्स, क्वेश्चन नंबर 2 ये राइट प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक हाइड्राइड्स, नंबर 3 बेटा राइट प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स, और इसी तरह बेटा जी राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स, या फिर इनका कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद बेटा जी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ नेचर ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स अलोंग पीरियड एंड अलोंग ग्रुप। तो ये बेटा आपने एक्सप्लेन करना है कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम और पीरियड में लेफ्ट राइट आयोनिक और कोवलेंट नेचर का ट्रेंड क्या है। यहाँ पे एरो नीचे आ रहा है डिक्रीज, एरो ऊपर जा रहा है इंक्रीज। इसके अलावा बेटा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक हो गया बेटे। और ये जो बातें हैं ये भी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो है वो पूछी जा सकती हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है जी बेटे।